गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी ही हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं। रीज़न आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा कुहा गिरा हुआ है और अभी आई थिंक टाइम हो रहा है 10:15। जी हाँ, और ये सुबह का माहौल है, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कुहा गिरा हुआ है। इतनी ज़्यादा ठंडी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने सोचा कि पहले एक व्यू आपको दिखा दूँ कि कितनी ज़्यादा ठंडी है, और चलिए बनाते हैं इस ठंडी में गर्मा गर्म मैगी और नाश्ता करते हैं। आज नाश्ते में मैंने बनाया था मैगी और इसकी स्टीम देखिए बेटा, उसी से हाथ सेक रहा है और मज़ा आ गया। इतनी अच्छी मैगी बनी हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ, देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा डिलीशियस बनी होगी। तो मैंने मैगी इंजॉय किया। अभी मैं आ चुकी हूँ और फटाफट से मुझे रेडी होना है, वही 5 मिनट वाला क्या बोलते हैं मेकअप लुक करूँगी, क्योंकि मुझे निकलना है थोड़ा बाहर। दो रीज़न है, एक रीज़न ये है कि मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी है तो इसलिए मैं जा रही हूँ, और दूसरा रीज़न ये है कि बहुत दिन से मैं लो थी, मुझे फीवर था, तो मैं कहीं भी बाहर नहीं गई हूँ। तो घर में पड़े पड़े जानते ही है कि माइंड फ्रेश नहीं हो पाता है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ। और ये वाला जो टी शर्ट है मैंने आपको दिखाया था, कोलकाता से मैंने लिया है जब मैं शॉपिंग कर रही थी उस टाइम का, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये बोल सकती हूँ। बहुत हाइट सर्दी के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब अगर थोड़ी बहुत सर्दी है उस टाइम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। गर्मी भी नहीं लगेगी और वो सर्दी से भी आपको बचाएगा, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए फटाफट से पहले मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मैं लगाऊंगी यहाँ पे ब्लू हेवन का कंसीलर, मैं सिर्फ यही लगा के अपना अंडर आई जो एरिया है उसको कंसील करने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं इसी को जो है वो ऐसे ऐसे वगैरह लगा लेती हूँ। डन हो गया और देखिए बहुत ही इंस्टेंट ब्राइटनेस आ गया। और मैं लगाने वाली हूँ अभी ये ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर, सॉरी ये टूट चुका है तो इसके लिए इसको इग्नोर करते हैं। मैं इस फ्लफी ब्रश से लगाऊंगी इसको फटाफट से। डन हो गया कॉम्पैक्ट। और अभी मैं करने वाली हूँ कंटूर। ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है और इसमें से मैं ये वाला जो सेट है ना, ये वाला इसको लेके और अपना कंटूरिंग करने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छा सेट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अब जाएगा ब्लश, सब मैं खा चुकी हूँ तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, मैं सारा चीज़ खा चुकी हूँ। फटाफट से ब्लश लगा दूँ। ब्लश कंप्लीट हो चुका है और मैं इसी में से ये वाला शेड लूँगी और अपनी आईज पे ऐसे ही थोड़ा सा डस्ट कर लूँगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा ही बस मैंने आईज पे लगाया है। और आज मैं लगाने वाली हूँ ये काजल्स। जी हाँ, ये भी ब्लू हेवन का ही काजल है, यहाँ पे लिखा है। मैं ये काजल आज यूज़ करूँगी, आज मैं आई लाइनर वगैरह कुछ नहीं लगाऊँगी, तो काजल लगाते हैं फटाफट से। कितना डिफरेंस हो जाता है ना काजल लगा लेने के बाद। और मैं ये छोटू सा ऐसे ब्रश लेके अपना जो ब्लशर है या फिर कोई भी अपसेट जो आपको ठीक लगे, मुझे ऐसे पिंक सेट लगाना था तो मैं इससे लेके यहाँ पर इसको वर्कआउट कर लूँगी हल्का हल्का। कितना सही लग रहा है इसका स्मोकी ऐसे कर लेने से। आप भी कभी भी काजल लगाने के बाद ना ऐसे किसी भी कलर से, जिस कलर से आपका ड्रेस मैच करता हो, आप वो इससे स्मोक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पूरे फेस के मेकअप में वो है आईब्रो, तो अभी मैं आईब्रो फिल करूँगी। और ये इतना मल्टीटास्किंग पैलेट है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं ये वाला जो शेड है और ये वाला शेड, आप ये और ये शेड भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये वाला शेड ऐसे हल्का टैप करूँगी और अपना आईब्रो जो है उसको फिल करूँगी।
मेरा आईब्रो भी डन हो चुका है आप देख रहे हैं, और अब लास्ट में हल्का सा मैं हाईलाइटर लगाऊंगी, हल्का हल्का लगाएंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और ये वाला जो हाईलाइटर है ना, ये मेरा फेवरेट है, और ये किसी भी कंपनी का नहीं है, ये पता नहीं मैंने नॉर्मल एक क्या बोलते हैं लोकल स्टोर से लिया था, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, इतना अच्छा ग्लो देता है ना आपके फेस पे ये वाला। मेरे पास ये वाला है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका नाम भी मिट गया है बट फिर भी मैं इसे यूज़ करी, या पीछे दिया है किस ब्यूटी का है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सारा मेकअप हो चुका, और अब हम डालेंगे अपने किस ब्यूटी का जो है सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे, ताकि हमारा जो छोटा मोटा जो मैंने मेकअप किया है वो सेट हो जाए, क्योंकि इसके बिना सेट नहीं होता है। तो चलिए सेट करते हैं पहले। इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी स्मेल। और अब हमारी बारी आती है लिपस्टिक की, तो ये मार्स के मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और मुझे ये शेड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, न्यूट शेड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसे लगाते हैं। मैंने लिपस्टिक लगा लिया है, ये न्यूट शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बताइए कि आपको मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। फिलहाल सबसे पहले हेयर कॉम्ब कर लेते हैं, क्योंकि बिना हेयर मतलब कॉम्ब किए आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो कुछ अच्छा लुक नहीं आने वाला है। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाल बनाने के बाद। हो चुकी हूँ, और मैंने बस पीछे एक बैक पिन लगा लिया है, और ऐसे क्लिप लगा लिया है, और आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ मैं। मैंने बस मिनिमम मेकअप किया है, बाहर जा रही हूँ तो ऐसे कुछ बहुत बोल्ड वाला मेकअप नहीं किया है। इंडिपेंड ऑन लिपस्टिक, आपका लिपस्टिक का कलर जैसा है आप वैसे दिखते हो। मेरा तो मानना ये है, अगर आप यहाँ पे अभी रेड लिपस्टिक लगा लोगे तो बोल्ड लुक हो जाएगा, न्यूड लगा लोगे तो मिनिमम हो जाएगा। तो बस मेरे ख्याल से आप लिपस्टिक पे सारा डिपेंड करता है, हाँ, और आई शैडो पे। चलो मैं रेडी हो चुकी हूँ, हम लोग निकलेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। बेटा भी रेडी हो चुका है, बट उसे अभी कार्टून देखना है, तो थोड़ी देर बाद हम लोग निकलेंगे। देखिए इनको कार्टून देखना है, ये थोड़ी देर बाद अभी निकलेंगे कार्टून देखने के बाद, है ना। रही हूँ, और मैंने ब्लैंकेट बोल रही हूँ, मैंने अपना जो जैकेट है और बेटे के लिए कैप को हाथ में ले लिया, वो मीना पहने ही भाग गया है, बोल रहा है मुझे ठंडी नहीं लग रही है, और गाड़ी पे आते वक्त ठंडी लगेगी फिर, इसलिए मैंने ले लिया है। चलिए चलते हैं फटाफट, वो पहले ही आगे निकल चुका है, पहले ही आ चुका है। चलो सिटी सेंटर जो नया वाला मॉल बना है अपने लड्डू के साथ, और गए हैं पार्किंग में गाड़ी लगाने, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे। अब एक बार देखिए, वैसे मैं दिखाऊंगी आपको एक सेकंड। नज़ारा ले सकते हो, यहाँ से चढ़ के आने के लिए भी बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है यार। और यहाँ पे बहुत सारा स्पेस बनाया है, बहुत सारा, अगर बच्चे साथ में आए हैं तो खेलने वगैरह के लिए। अभी तो बस मैं यहीं आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा बनाया है सिटी सेंटर। बहुत चर्चे हैं कि काफ़ी बड़ा बनाया है, वो तो घूमने के बाद ही पता चलेगा।
बच्चों के लिए फ्री बनाया है खेलने के लिए, बहुत अच्छा बनाया है। ये सीटिंग एरिया है, आप बाहर में आराम से बैठ के खाओ पियो घूमो, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये ऐसा मिरर दिखता है ना, मैं अपने आप को ऐसे कैप्चर कर लेती हूँ कैसी लग रही है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है ये मॉल, पता नहीं आँख में क्या चला गया, बहुत अच्छा बनाया है। अगर आप पटना में रहते हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया है। क्या हुआ, जब खरीदा आएगा ना बेटा, अभी तो वो कुछ नीड है। हाँ खरीदा जाएगा बर्थडे के दिन, मेरा बेटा का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट मंथ में, तो इसलिए ये बोल रहा है इसको ड्रेस चाहिए था, चलो बर्थडे के दिन खरीदा जाएगा। चले पहले घूमते हैं, बहुत अभी घूम। इतना खूबसूरत ये बनाया है, आप देखो यहाँ पानी दिख रहा है और खूबसूरत पेड़ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। इतने के नीचे आ जाओ बेटा, गिर जाओगे। इधर 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 ऐसे ऐसे, हाँ बैठ। कैसा लग रहा है यहाँ, मज़ा आ रहा है ना, इतना खूबसूरत बनाया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। अगर आप लोग पटना में हैं और अभी तक आप लोगों ने विजिट नहीं किया है तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ मिस कर रहे हो, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे कपड़े का कलेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम लोग यहाँ मतलब एक घंटे से घूम रहे हैं और अभी तक सिर्फ थर्ड फ्लोर पर अभी आए ही हैं हम लोग, लेकिन अभी तक घूमना बाकी है। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मैं तो यही बोलूँगी। बिहार में आई थिंक ये पटना का सबसे बड़ा मॉल है, मैं जहाँ तक सुन रही हूँ, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, लेकिन हाँ जहाँ तक देखी हूँ मेरे ख्याल से कि हाँ यही बात है। और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि इनको जो दिख रहा है वही इनको खरीद दीजिए, नहीं टच करते बेटा भीग जाओ। तो ठंडा नहीं रहेगी, बोला ठंडा है तो पानी है तो ठंडी ही ना रहेगी। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। थोड़ा सा लाइट का इशू होगा क्योंकि हम लोग बाहर में हैं और यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए भी बनाया है, वो भी बिना पैसे के। ये प्रॉफिट है क्योंकि मॉल में नॉर्मली पैसे दे के गेम आपको खिलाते हैं, बट यहाँ पे तो देखिए मेरा बेटा आने के साथ ही शुरू हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सारा जो है ना बच्चों के लिए फ्री बनाया है खेलने के लिए, बहुत अच्छा बनाया है। ये सीटिंग एरिया है, आप बाहर में आराम से बैठ के खाओ पियो घूमो, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये एडवेंचर टाइप बनाया हुआ है, आप अपने आप बच्चों को लाइए और इस पर चढ़ाइए, अच्छे से चढ़ना ठीक है। इतनी खुशी तो और किसी चीज में नहीं मिलती है, देखो तो आराम से बेटा आगे देखो। यार ये मॉल बहुत ही बड़ा है, हम लोग तो भूल गए बाहर किधर से निकलना है, किधर से घुसे थे, किधर से निकल के आए। अभी इसको अच्छे से जानने के लिए मुझे लगता है कि एक दो बार आना पड़ेगा। खैर पहले लाइटनिंग में चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हम लोगों को रास्ता मिल गया है, हम लोग रास्ता खो चुके थे, कहाँ से घुसे थे आगे से निकले हम लोग पीछे, और ये मॉल इतना बड़ा है कि पता नहीं कहाँ से निकलो कहाँ घुसो कुछ पता ही नहीं चलता है। बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, या कपड़े का हो, क्रॉकरीज का हो, एक्सेसरीज का हो, परफ्यूम का हो, मतलब मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी, बट सामान ख़त्म नहीं होगा। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ कि हाँ अगर आप यहाँ आते हो तो वैरायटी मिल जाएगी हर चीज़ में, तो आप यहाँ आ सकते हो और घूमने में भी मज़ा आ गया हम लोगों को। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं, पहले एक बार बाहर से भी इसका फुल लुक देख लो, मैंने नहीं दिखाया था। यूज़ बनाया है, ये यूज़ बनाया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया है यार, ट्रस्ट मी, प्लीज़ एक बार आप विज़िट करो प्लीज़, बहुत अच्छा बनाया है ये। गई हूँ वापस गेस्ट हाउस और मैं अभी खाने वाली हूँ
गर्मा गर्म पकौड़े। और ये पकौड़े थोड़े स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि गेस्ट हाउस के पास में जो गार्डन है वहाँ पे वो प्याज लगाया गया है, वो ये उसी संडा, जो प्याज हम लोग बोलते हैं संडा प्याज, उसी सागे प्याज का एक पकौड़ा बना है। तो आइए खाते और इन्जॉय करते, देखते हैं कि कैसा है। पहले भाई आ जा, टेस्ट किया जा। मजा आ गया। अच्छा बनाया। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने बनाया वेज फ्राइड राइस, मिक्स वेज बोल सकते हैं आप, फ्राइड राइस। मैंने फटाफट से इसी को बनाया, इसके साथ और कुछ भी नहीं बनाया था। इसकी अगर आपको पूरी रेसिपी देखनी है तो वो आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियो पे मिल जाएगी और मैंने अपलोड कर भी दिया है, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और आप देखिए कितने खिले खिले राइस बनी है, खा के मज़ा आ गया। और ये सारा खाना हम लोगों ने डिनर में कम्प्लीट किया और उसके बाद हम लोग सो गए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।